subscribe my YouTube channel Technical World's King. हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन जीराज और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल वर्ड्स की। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे VLC मीडिया प्लेयर के बारे में, जो कि हम लोग अपने PC और लैपटॉप में हमेशा यूज़ करते हैं। तो अब ये जो है एंड्रॉयड के लिए भी आ गया है, तो ये काफ़ी अच्छा VLC मीडिया प्लेयर माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर टाइप कर देना होगा VLC टाइप करने के बाद में सबसे पहले जो है यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन VLC फॉर एंड्रॉयड, तो इस पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, हम लोगों को इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, हम आइए चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर और खोजते हैं VLC मीडिया प्लेयर को। जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर अब हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वेलकम स्क्रीन, वेलकम VLC, यानी कि VLC की तरफ से आपका स्वागत है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा मिलेगा द फ्री एंड ओपन सिक्योर मल्टी मीडिया प्लेयर। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि मल्टी मीडिया प्लेयर से भी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है हैक होते हैं, चोरी होते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो है सिक्योर लिख करके भेजा है, सोर्स लिख करके दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा VLC नीड योर परमिशन टू एक्सेस मीडिया ऑन योर डिवाइस। VLC मीडिया प्लेयर आपके जो है डिवाइस की मीडिया परमिशन चाहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को अलाउ कर देना होगा, परमिशन दे देनी होगी। उसके बाद में यहाँ काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को टिक कर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाएगा लेट मी चूज विच फोल्डर VLC विल स्कैन। यहाँ पर आप लोग जो है उन फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको VLC मीडिया प्लेयर स्कैन करेगा। यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, उसके बाद में इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी आने के बाद में दोस्तों, और यहाँ पे जो है टिक करके आ गया है ये पॉइंट कुछ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लिखा मिल जाएगा VLC विल ऑटोमेटिकली स्विच टू नाइट मोड एट अप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग टिक करके रखेंगे इसको अगर ऑन करके रखेंगे, तो ये VLC मीडिया प्लेयर नाइट मोड आपके सामने जो है प्रोवाइड कर देगा सिस्टम की जो है सेटिंग्स को फॉलो करते हुए। दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर डन पे ओके कर देता हूँ। डन पे ओके करने के बाद में दोस्तों ये मेरा एप्लीकेशन ओपन हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर वीडियो ऑडियो प्लेलिस्ट, उसके बाद में डायरेक्टरी, उसके बाद में लोकल नेटवर्क, स्ट्रीम, हिस्टोरी, सेटिंग्स, अबाउट, इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इतने सारे ऑप्शन हमको कहाँ मिले, यहाँ पे ये थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर भी हमको जो है स्टार्ट बाय दिखाई देगा, ग्रुप वीडियो दिखाई देगा और डिस्प्ले इंग्लिश, उसके बाद में रिफ्रेश है, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक ऑप्शन जो है क्लियर करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जो है आप अपने वीडियो का नाम देंगे। अगर आप लोगों को सर्च करना है नया मोइज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है कुछ भी नाम लिख देना होगा जो आपकी मीडिया का नाम होगा, और उसके बाद में वो आपकी गैलरी से या फिर इंटरनल मेमोरी से खोज करके ला देगा और आप उसको आसानी से चला सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो है पेरसिंग मीडिया, यानी कि यहाँ पे आपके फ़ोन के मीडिया को ये सर्च कर रहा है, सर्च करने के बाद अभी ये सामने को ला देगा 100% पॉइंट होने के बाद में। तो दोस्तों, ये 100% सर्चिंग होने वाली है, देखिए हो गई। उसके बाद में जितने भी मीडिया फाइल्स हमारे जो है फ़ोन में थे, उतने भी सारे मीडिया फाइल को ये आसानी से ला के हमारे सामने रख दिया है। तो इसको जो है हम लोग चलाएँगे, तो किस तरह से चलाएँगे देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमको जो है ये मीडिया फाइल चलानी है, इस मीडिया फाइल पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए, जबकि हमारी SD कार्ड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये SD कार्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं इसकी जो है वॉल्यूम स्लो कर देता हूँ। तो वॉल्यूम कम करने के बाद में दोस्तों, मैं अब इस वीडियो को चलाऊँगा। इस वीडियो पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद में जैसे आप पहली बार चला रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो प्लेयर के जो है टिप्स दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों को ब्राइटनेस बढ़ाना है, तो आप ऐसे इस तरह से उंगली रख करके ऊपर खींचेंगे, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर सिंक करना है
गो टू डिसमिस टू, यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों को बढ़ाना है, जूम करना है, तो इस पे जो है रख करके खींचेंगे दोनों तरफ। तो आइए हम लोग पूरी तरह से देख लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों देख रहे हैं वीडियो चल रही है। अब मैं इधर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ ब्राइटनेस मेरी बढ़ रही है ऊपर की तरफ। मैं कोई दूसरी लंबी वीडियो चला करके दिखा देता हूँ, ये बहुत छोटी वीडियो है दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो है आवाज़ बढ़ेगी ऊपर की तरफ, अगर स्क्रॉल करेंगे और ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ेगा। उसके बाद में अगर मान लो हमको जूम करना दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्लिक करके जो है जूम करेंगे। यहाँ देखिए जूम होता जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा मीडिया प्लेयर जो है दोस्तों है, और हम लोग जो है अपने सिस्टम और पीसी पे जो है यूज करते हैं दोस्तों। तो इसका पूरी तरह से यूज मैंने बता दिया। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।